सबसे पहली बात क्या है कि जो हम लोग कोई जानकारी नहीं था और जानकारी नहीं, जब पुलिस आई तब हुआ। मेरा बेटा का बात रहे चाहे किसी और का बात रहे, जो दोषी है बस वो दोषी है, उसको कानून को पालन करना चाहिए। हमको ये बात कहना है। आपके बेटा कहाँ है, सरेंडर क्यों नहीं कर रहे? वो सरेंडर कर जाएगा जब उस पर, ये देखना चाह रहे थे कि एफआईआर जो हुआ है तो लोग हमारे जो प्रतिबंधी हैं, जो राजनीतिक प्रतिबंधी हमारे जो हैं, तो हल्ला तो नहीं उड़ा रहे हैं, ये बात थी। अब तो आ गया रिटर्न में, तो कोर्ट का सामान करना है, पुलिस को भी सामान करना है, सब करना है। पूरे मामले का ना, जब मेरा बेटा से बात होता ना, हमको छोड़ता है इन लोग तब ना, मेरा मोबाइल रखे हुए इन लोग, बात आखिर किससे करें? क्या लगता प्रेशर में कुछ प्रेशर में कहीं से अलग से कुछ डायरेक्शन मिल रहा है? डायरेक्शन है इसमें, मतलब राजनीतिक साहस के तहत हमको फंसाया जा रहा है। किसकी राजनीति हो सकती है, किसकी षड्यंत्र हो सकती है? इन लोग बात प्रशासन के लोग नहीं माने, और हमको मोबाइल से आखिर कहाँ बात करें उससे हम? तो क्या रॉकी सरेंडर करेगा? 100% सरेंडर करेगा। अच्छा, ये भी बात चल रही है कि मनोरमा देवी और आप लोग का, कि आप लोगों ने उसे बचाने की कोशिश की? नहीं, 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 सब कोई बातें नहीं है। आपको कब पता चला कि ऐसी घटना हो गई है? हमारे यहाँ पुलिस प्रशासन के लोग आए तब हमको जानकारी मिला कि आप भी जो है रॉकी के ऊपर किसी तरह का पहले से आपराधिक कोई रिकॉर्ड नहीं है, पढ़ने लिखने वाला लड़का है।